हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स आप लोगों का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल में आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन इसमें हम प्लॉट के बारे में देखेंगे कैरेक्टर्स देखेंगे वन बाय वन और इसकी जो बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में देखेंगे uh, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ को अगर आप यू पी या पी के के लिए तैयारी कर रहे हैं या एल टी लेक्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं और ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि अगर जितनी जो पी डी एफ्स हैं और कोर्सेज जो हैं वो सबसे अभी तक के चीपेस्ट कोर्सेज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे नोट्स मिलेंगे और बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे जो आपकी कॉमन जो फीस है वो आपकी सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड रुपीज़ अभी तक हैं बाकी लोग जो चार्ज कर रहे हैं लेकिन जो हमारे कोर्सेज की जो फी है वो काफ़ी कम है तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आपका आज का जो वर्क है वो है आपका साइलेंस कोड इज़ इन सेशन तो इसके जो राइटर है विजय तेंदुलकर है और स्टार्ट करते हैं प्लॉट से अ ग्रुप ऑफ टीचर्स प्ले टू स्टे प्लान टू स्टेज अ प्ले इन अ विलेज जो एक ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक विलेज में एक प्लान uh, करते हैं एक प्ले का वो एक नाटक करना चाहते हैं वहाँ पर वैन अ कास्ट मेंबर डज नॉट शो ऑफ तो उसमें क्या होता है जो एक कास्ट मेबर है जिसको वहाँ पर uh, उनके साथ में काम करना है वो वहाँ पर नहीं आ पाता अ लोकल स्टेज हैंड इज आज टू रिप्लेस हिम तो एक लोकल लेक इंसान को वहाँ पर ले लिया जाता है जो उनका रोल करेगा एन इम्प्रोवाइज फ्री फ्लोइंग रिहर्सल इज अरेंज एंड अ मॉक ट्रायल इज स्टेज टू मेक द नोविस अंडरस्टैंड कोर्ट प्रोसीजर अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक रिहर्सल uh, की जाती है उस नए आदमी के लिए जो न, नया आदमी वहाँ पर आया होता है और वहाँ पर मॉक ट्रायल कराया जाता है कोर्ट का जिससे कि उसे कोर्ट की जो प्रोसीजर है वो समझ में आ जाए मॉक uh, चार्ज ऑफ इन्फेंटिसाइड इस यहाँ पर जो आपकी मेन यहाँ पर हम कह सकते हैं कैरेक्टर है आप लोगों को इनका नाम याद रखना है तो उन उनपे क्या किया जाता है इन्फेंटिसाइड का केस किया जाता है और उस जब वो ट्रायल कर रहे होते हैं कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है जहाँ पे बहस होती है उसे ट्रायल कहा जाता है इफ यू डोंट नो तो ऑल ऑफ अ सडन द देंट प्ले टर्न्स इनटू एन एक गेम when it emerges from a trial that Miss बेनार is carrying out कैरन an out of wedlock child from her failed illicit relationship with Professor प्रोफेसर uh, Damle. तो ये जो प्रोफेसर दामले है इनका रिलेशनशिप था illicit रिलेशनशिप था अगर illicit मीन्स वो था अवैध तो उनका अवैध जो रिलेशनशिप था वो था किसके साथ दामले के साथ में और यहाँ पे किसका रिलेशनशिप की बात हो रही है मिस बैनार की तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो ट्रायल चल रहा होता है कोर्ट का मॉक ट्रायल चल रहा होता है प्रैक्टिस के लिए तो वहां पर अचानक वो एक, एक तरह से उसे रियल लाइफ का ड्रामा बना दिया जाता है तो सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं उनके बारे में देख लेते हैं तो जो फर्स्ट है वो है आपकी मिस बैनार इनकी जो है अभी मैरिज नहीं हुई है बैनार अभी हमने देखा तो इनकी मैरिज नहीं हुई है बट ये इलिसिट रिलेशनशिप में है इनका जो फुल नेम है ये पहले तो प्रोटैगनिस्ट हैं और दूसरी बात यह है कि इनका जो फुल नेम है वो है लीला बैनार इज़ एन अनमेरिड टीचर इन हर अली थर्टीज़ और वो अली थर्टीज़ में है एन अ मेमर ऑफ कास्ट ऑफ लिविंग कोर्ट रूम और एक कास्ट है वो जो मतलब उनके उसमें एक काम करती हैं प्ले का जो उनका ग्रुप है लिविंग कोर्ट रूम उनका उसका नाम है तो आप लोग ये पूछा जा सकता है कि उनका जो ड्रामा जो उनका ग्रुप था उसका नाम क्या था सामंत कौन है रघुनाथ भिकाजी सामंत इज अ लोकल विलेजर हु हेल्प्स द मेंबर्स ऑफ लिविंग कोर्ट रूम फाइंड द मीटिंग हॉल एंड सेटअप जो सामंत है वो उनको सेटअप प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे भी ड्रामा करना होता है वहाँ पर से, सेटअप जो है वो सामंत प्रोवाइड करवाता है सुखामटे जो सुखाम है आ, वो है एक सेंट्रल मेंबर ऑफ द लिविंग कोर्ट रूम जो उनके ड्रामा ग्रुप है उसका एक सेंट्रल कैरेक्टर है इन विच ही टिपिकली प्लेस द लॉयर ऑफ द प्रोसिक्यूशन यहाँ पर क्या है कि जो है वो लॉयर का लॉयर का जो रोल है उसे निभाता है पोंक्शे पोंक्षशे कौन है फील्ड अकेडमिक हु वर्कस एज अ कलक एंड अ मेंबर ऑफ द लिविंग कोर्ट रूम ये एक क्या है इनका कलक है मिस्टर काशिकर दी हजबैंड ऑफ मिस्टर काशिकर मिसिस काशिकर अन्ट्रल मेंबर ऑफ द लिविंग कोर्टरूम इन विच ही प्लेज द जज और जो मिस काशिकर हैं वो क्या हैं आपके जज हैं मिसिस काशिकर दाइफ ऑफ मिस्टर काशिकर एंड सपोर्टेड सपोर्टिंग मेंबर ऑफ लिविंग कोर्ट रूम ये मिस्टर uh, काशिकर की वाइफ हैं और एक सपोर्टिंग मेम्बर हैं ऑल दो क्रिटिकल लाइक हर हस्बैंड मिसिस काशिकर हैजू इंडिया नियर कॉन्स्टेंट वर्बल अब्यूज फ्राम काशिकर हु पब्लिकली मॉक्स तो यहाँ पर क्या है कि उसे बार बार काशिकर उसे क्या करता है वर्बल अब्यूज़ करता है और पब्लिकली उसका मजाक बनाता है तो यहाँ पर एक सटायर है जो ये वर्क है ये एक तरह का सटायर है और सटायर क्या होता है उसमें जो राइटर है वो किसी तरह का मौकरी करता है किसी चीज़ को किसी चीज़ का फन बनाता है लेकिन उसका जो अल्टीमेट ग जो गोल होता है वो किसी वॉइस को जो सोसाइटी की कोई वॉइस होती है बुराई होती है उसको ठीक करना होता है बालू बलू रोकड़े बलू रोकड़े रोड के सॉरी इज यंग मैन हु लिव्स विद मिस्टर काशिकर एंड मिसेस काशिकर ये जो फैमिली है मिस्टर काशिकर के और मिसेस काशिकर है उनके साथ में रहते हैं द कपल पेड फॉर रोकड़ेज एजुकेशन एंड सर्व एज अ काइंड ऑफ फॉस्टर फैमिली और जो रोकड़ेज की एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने पैसा भी पे किया जा पे किया था कार्निक कार्निक इज़ अ प्रोफेशनल एक्टर एंड मेंबर ऑफ लिविंग कोर्ट रूम और वो लिविंग कोर्ट रूम जो ग्रुप है उनका ड्रामा का उसका जो एक प्रोफेशनल एक्टर है उसका नाम है आपका कार्निक प्रोफेशर ड्रामले अ मेंबर ऑफ लिविंग कोर्ट रूम इन हिज स्पेयर टाइम एंड एन एन अकेडमिक प्रोफेशनली और वो भी एक टीचर की तरह काम करता है वो लिविंग कोर्ट रूम में भी रहता है अगर हम माइनर uh, कैरेक्टर की बात करें तो इसमें रावटे मेंबर ऑफ लिविंग कोर्ट रूम हु इज सिक ऑन द डे ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायल जो रावटे है वो जिस दिन पर्टिकुलर ट्रायल है जिसके बारे में बात की जा रही है वर्क में उस दिन वो बीमार हो जाता है नाना साहेब शिंदे द मुंबई बेस्ड चेयरमैन ऑफ एजुकेशन सोसाइटी ये चेयरमैन है एजुकेशन सोसाइटी का ही ऑल्सो हैन इंटरेस्ट इन सोशल वर्क बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन मिस्टर काशिकर क्लेम्स टू हैव ओ नाना शाहेब इज लाइकली दैन हु डिसाइड टू फाया बैनार ऑन अकाउंट ऑफ दीव इमोर्टेलिटी ऑफ हर अनमेरिड मदरहुड जो बैनार है एक्चुअल में वो दामले के साथ में उनका अफेयर है और वो अनमेरिड है और वो शी इज प्रेगनेंट बैनार्स अंकल बैनार एज अंग गर्ल बैनार फेल इन लव विद हर अंकल as he was kinder to her than her parent her uncle and mother opposed the relationship however and feeling betrayed benar attempted suicide yahan par uh, jo benar ka jo uncle hai usi ke sath use pyar ho jata hai but uh, उसकी मदर और जो अंकल हैं वो इन चीज़ों के लिए मना करते हैं और वो लास्ट में सुसाइड भी करती है सुसाइड करने के लिए कोशिश करती है एक सर्वेंट है ब्रीफली द द ऑफ प्ले टू हेल्प लोड ऑफ प्रॉप्स एंड द लिविंग कोर्ट रूम वो क्या करता है जो सर्वेंट है वो प्रॉप्स को uh, वहाँ पर सेट करने के लिए वहां पर आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइलेंस द कोर्ट इज इन दिस सेशन यहाँ पे जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में बात करें तो साइलेंस द कोड इज़ इन सेशन टेक्स प्लेस इन पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड व्हेन द रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड इंडिया टू बिकम इट्स ओन डेमोक्रेटिक कंट्री तो यहाँ पर जो इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें कि ये कब की स्टोरी है तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की स्टोरी है जबकि पूरा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर इस्टेबलिश होने की कोशिश कर रहा था After independence in 1947, women's rights rights often took a back seat to questions regarding the future of independent nation. अब यहाँ पर जो है women के जो rights थे उन पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी After independence, activists uh, focused on rights of working class, Dalits and women. और independence के बाद में uh, बहुत सारी चीज़ों पर लोगों ने focus करना शुरू किया जो activists थे उसमें working class के जो rights थे उस पर दलित और वुमेन के जो राइट्स थे उस पर फोकस करना शुरू किया तो वहीं से विजय तेंदुलकर ने ये प्ले लिया और विजय तेंदुलकर प्ले इज़ अ सोशल सटायर ऑन मिडिल क्लास सोसाइटी जो विजय तेंदुलकर का ये प्ले है ये सटायर है किस पर मिडिल क्लास सोसाइटी पे द इशू रिलेटेड टू वुमेन ब्रॉड इन टू लाइट इन द प्ले साइलेंस अब यहाँ पे इशू क्या कि रिलेटेड टू वुमेन की वुमेन के लिए साथ में कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी उसे लाइट में लाने के लिए विजय तेंदुलकर ने इस सटायर को लिखा था द कोड इज इन सेशन द कैरेक्टर लीला बेनार इसमें हमने जैसा देखा कि जो कैरेक्टर है वो कौन है लीला बेनार है और इज फोकल पॉइंट इन द प्ले और यही इसमें फोकल पॉइंट है समरी के बारे में बात करें द दोनार मोटी या टेनमेंट बॉम्बे प्रोग्रेसिव एसोसिएशन इज गैदरिंग टू तो पुट अमेरिकन प्रेजिडेंट लिंडन बी जॉनसन ऑन मॉक ट्रायल फॉर हिज रोल इन द पोलिफ्रेशन ऑफ एटमिक वेपनरी जो उस टाइम बात हो रही है वो बात हो रही है कि जो लिंडन बी जॉनसन है उन्हें एक मॉक ट्रायल पे लाया जा रहा है तो यहाँ से जो मॉक ट्रायल है उसके उसके बारे में वहाँ पे कोशिश की जा रही है लेकिन साथ ही साथ अचानक से उसमें चेंज हो जा रहा है एज वेरियस मेम्बर्स ऑफ द एसोसिएशन अराइव बहुत सारे जो एसोशिएशन हैं उनके मेम्बर्स वहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बैकग्राउंड रिलेशनशिप्स आर कन्वेड इट इज़ ऑल्सो लर्निंग दैट टू मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप प्रोफेसर डामले एंड मिस्टर राउटे वर नॉट एबल टू मेक इट टू दर्फॉर्मेंस अब यहीं पर जब सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं गैदर हो रहे हैं तो तभी पता चलता है कि दो जो लोग हैं वो मिसिंग हैं कौन कौन से प्रोफेसर डां और मिस्टर रावटी ये दोनों के दोनों वहाँ पर नहीं पहुँचते परफॉर्मेंस टाइम इज़ स्टिल अ फ्यू आवर्स अवे सो दोज हु हैव मेड इट डिसाइड टू पास द टाइम दो थ्रू इम्प्रोवाइजेशन अब सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी कुछ टाइम रह गया है तो हम एक काम करते हैं कि तब तक हम कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं किसी चीज़ का कि, कि कोशिश करते हैं कि कुछ लोग इसमें जो प्रोफेसर दामले आए नहीं आ पाए या रावटी नहीं आ पाए उनकी जगह पर किसी और को रखा जाए दो दी रोल्स दैट मोस्ट ऑफ देम आर सिलेटेड टू प्ले रिमेन इसेंशियली अनचेंज तो वहाँ पर क्या होता है कि जो प्ले है उनकी जो जगह है वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको अनचेंज रखा जाता है बट दे विल बी वन वेरी ग्रेट चेंज एक बहुत बड़ा उसमें चेंज वो करते हैं अ न्यू डिफेंडेंट विल बी पुट ऑन ट्रायल और वो ये करते हैं कि एक नए डिफेंडेंट को वहाँ पर ट्रायल पर ले आते हैं सिंस रिसेंटली फायर्ड स्कूल टीचर लीला बेनार हैपन टू हैव लेफ्ट द रूम एट दिस टाइम दे अदर डिसाइड शी विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रायल अब जो लीला बेनार उनके टीम में थी वो उस टाइम वहाँ पर नहीं होती है जब सारे लोग वहाँ पर डिसाइड uh, कर रहे होते हैं कि कौन वहाँ पर डिफेंडेंट बनेगा तो वहाँ से जो लीला बेनार है वो जा चुकी है तो वो सभी सोचते हैं कि लीला बेनार को ही क्या किया जाएगा ट्रायल पर रखा जाएगा उसे अभी अभी क्या किया गया फायर किया गया है क्यों फायर किया गया है उनकी उसकी जो रिलेशनशिप है और अनमेरिड जो मदरहुड है उसकी वजह से उसको वहाँ से फायर किया गया है वेन शी रिटर्न एंड डिस्कवर वट इज़ टेकिंग प्लेस शी सजेस्ट अ थीवरी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हर फॉर द क्राइम दे हैव चूजन फॉर हर इन्फेंटिसाइड अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ओके मुझे आ, रखा गया है ट्रायल पर मुझे रहना है तो वो डिसाइड करती है उन लोगों को सजेस्ट करती है कि ठीक है आप लोग इन्फेंटिसाइड का मेरे ऊपर ट्रायल करना चाह रहे हैं उसे हटा कर थीवरी कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीला बैनार है उसने वापस आने पर क्या सजेस्ट किया था या उसका जो ट्रायल था वो किस बेसिस पर उसको ट्रायल पर रखा गया था तो ट्रायल उसके ऊपर किया जा रहा था तो इन्फेंटिसाइड पे किया जा रहा था और उसने सजेस्ट किया कि ओके okay, इन्फेंटिसाइड को हटा दिया जाए और थीवरी पर किया जाए इफ़ यू डोंट नो कि इन्फेंटिसाइड मींस क्या होता है तो किलिंग ऑफ इन्फेंट इन्फेंट मींस होता है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है अगर उनको कोई मारता है तो उसे इन्फेंटिसाइड किया जाता है और या इन्फेंटिसाइड कहा जाता है द क्राइम वॉज नॉट चूजन रैंडमली दिवैश अर्ली थर्टीज वुमेन इज रूटीनली क्रिटिसाइज बिहाइंड हर बैक बाय द अदर फॉर हर अनकनवेंशनल लाइफ स्टाइल यहाँ पर क्या है जो क्राइम है वो सभी लोगों ने जितने वहाँ पे लोग थे उसके ग्रुप में उन्होंने उसे कोई रैंडमली चूज़ नहीं किया था उन्होंने क्या किया था कि जब वो उसकी जो लीला बेनार है वो थर्टी ईयर की है और वो बहुत ही अनकनवेंशनल तरीके से रहती है इसलिए सभी उसकी उसको क्रिटिसाइज किया करते थे उसकी बैक मींस उसकी पीठ पीछे उसे सभी क्रिटिसाइज किया करते थे क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से रहती थी सून इनफ इट बिकम्स पॉइंटेडली अपेरेंट दैट लिटिल अबाउट दिस ट्रायल ऑफ बेनार दैट इज प्योरली रैंडम और थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाता है कि ये बात पता चल जाती है कि जो ये ट्रायल uh, किया जा रहा है वो कोई रैंडम नहीं था इट इज वेरी पर्पज दिपज ऑफ द टी पी ए इज इंडिकेटिव एंड कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द मेम्बर्स होल्ड फॉर देम सेल्वस और जो इनका ग्रुप था वो उनका एक कलेक्टिव ओपिनियन था इस बारे में दे हैवेंड देम सेल्व्स एज एन एंटायरली चार्ज विद एजुकेटिंग द मोर इग्नोरेंट मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी मोर देन जस्ट एजुकेटिंग दैम गाइडिंग दैम इन टू मोर एलिटेड एलिवेटिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉज तो सभी का यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर ये जरूर था कि वो सभी आ, मिलकर इस केस को या जो उनका ट्रायल था उन्होंने इसको आ, एक तरह से फिक्स किया था जो जिस चीज़ के बारे में वो कंसर्न थे उसकी लाइफ के बारे में कंसर्न थे एंड दे डिड नॉट लाइक इट क्योंकि वो एक लेडी थी और उस लेडी का जो एक चेंज्ड वे था रहने का उसे वो लोग पसंद नहीं करते थे दिस एलिवेटेड ओपिनियन ऑफ देम सेल्फ डार्कली रिवील्स इट

जो लीला बैनार है उसे प्रोफेसर दामले के घर पर देखा था हु इज देयर टू टेक पार्ट इन परफॉर्मेंस रिमेंबर द मॉक पार्ट ऑफ ट्रायल बिगिंस टू विद रियल लाइफ एज एजेटरी नेचर ऑफ अदर्स टूअर्ड्स इवन ईच अदर टेक्स ओवर अ लोकल विलेज नेम्ड द मिसिंग मिस्टर रावटे अब वो सभी क्या करते हैं कि ये जो रियल लाइफ उनकी है एक प्रिडिटरी नेचर है चीज़ों का या सोसाइटी का प्रिडेटरी नेचर का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि सोसाइटी में क्या करते हैं कि जो अगर कोई सोसाइटी में कोई अकेला है या वीक है तो उसे सारी सोसाइटी एक तरह से क्या करना चाह रही है उसे फिनिश करना चाह रही है या उसके ऊपर उसको फन करके उसके ऊपर हम सभी जो सोसाइटी होती है वो फ़न करना चाह रही है या उससे मज़े लिए जाते हैं सिंपल सी बात है तो यहाँ पर भी वही हो रहा है जो प्रेडेटरी नेचर है उसे शो करने की कोशिश की जा रही है तो जो वहाँ पर आता है जो लोकल विलेजर है वो कौन है आपका सामंत है ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आ, प्ले में आता है मिसिंग जो थे दामले और रावटे उनके बार उनकी जगह किसने रोल किया था तो वो कौन था आपका सामंत सामंत फेब्रिकेट्स अ थ्योरी टू एक्सप्लेन दैट रोकरे एक्चुअली विटनेस्ट दैट डे तो यहाँ पे जो सामंत है वो फैब्रिकेट करता है एक स्टोरी बनाता है एक स्टोरी और बताता है कि रोकड़े ने उस दिन क्या देखा था बैनार वॉज हैविंग एन अफेयर विद दामले जो बैनार है उसका अफेयर किससे है दामले से एंड वंड अप प्रेगनेंट और वो प्रेगनेंट हो जाती है अ सिनारीो विच ऑफकोर्स वुड नेचुरली एंड कमिटिंग द इन्फेंटिसाइड ऑफ विच शी इज चास्ट और इस स्टोरी में क्या किया जाता है कि आ, जो बेनार है वो जब प्रेग्नेंट होती है और उसका जो बच्चा होता है उसे वो मार देती है दी ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट बेनार्स रिस्पॉन्स टू सामंस एंटायरली कंस्ट्रक्टेड फिक्शन इज़ टू इमोशनली ओअ रोड टू बी एक्टिंग एंड दैट इनफैक्ट सामंत हैज़ इंटायरली बाई एक्सीडेंट हिट अपॉन आर रियल लाइफ ट्रुथ अब यहाँ पे जो जब ट्रायल हो रहा होता है जब कोर्ट में बहस हो रही होती है तो जो बैनार है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है इस चीज़ के लिए और जो सामंत है वो भी पूरा रियल लाइफ ट्रुथ वहाँ पर बोलना शुरू कर देता है एट दैट पॉइंट वेयर इट सीम्स दैट एन अनएक्सपेक्टेड एंड अगली ट्रूथ हैज़ इंसर्टेड इट्स हेल्प टू डीपली इन टू दी प्रोसीडिंग्स टू टर्न बैक द मॉक ट्रायल टेक्स ऑन एन इंक्रीजिंगली ड्रोमैटिक टोन और जो पूरा जो ट्रायल है वो एक डोमेटिक टोन में चेंज हो जाता है वैन बेनार अटैम्प टू फ्ली द रूम शी फाइंड्स इट हैज़ बीन लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड जब बैनार वहाँ से रूम से निकलना चाहती है तो वहाँ से उसे फिर पता चलता है कि रूम को लॉक कर दिया गया है ट्रैफिंग हर इन द रोल ऑफ क्रिमिनल डिफेंडेंट अनटिल द मर्सी ऑफ द अदर अलाउज देयर कंपेशन टू ओवरकम देयर इमोशनल ग्रीड तो यहाँ पर उसे ट्रैप कर दिया जाता है उसी रूम में है द ट्रायल रूटीन्स विद टेस्ट फ्रॉम टू ऑफ द मैन दैट बैनार प्लीडेड विद देम टू मैरी हर एंड हेल्प प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्राम बींग रेस्डीमेटली बट दैट बोथ मैन रिजेक्टेड हर यहाँ पर ट्रायल में ये भी बोला जाता है टेस्ट के तौर पर कि बैनार ने कुछ लोगों को उससे शादी करने के लिए भी बोला था लेकिन उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर लिया था सो so, सुटे टेक्स ऑन द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर इन दी मॉक ट्रायल और जो सुकामते है वो वकील का आ, की तरह वहाँ पर रहता है और प्ले करता है बट अन नोवंगली टू द ऑडियंस ही हैज ऑलरेडी मेड हिज केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट लेकिन जो डिफेंडेंट है उसने जो ऑडियंस है उन्हें ये बात नहीं पता होती है कि जो केस है उसने ऑलरेडी डिफेंडेंट के अगेंस्ट किया है It was Sukamte who originated the suggestion that Benar to be member of the troop but uh, put on trial on the first place pe trial thus equipped it should be the time he begins his argument come as little surprise that Sukamte goes a little overboard in painting Benar as very embodiment of the corruption of the institution of motherhood. यहाँ पर जो सुखामटे हैं वो बेनार को एम्बॉडीमेंट बना देता है मीन्स एक तरह से प्रतीक बनाना चाहता है कि वो करप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड कि जो मदरहुड है उसको उसने करप्ट किया है इस चीज़ के लिए वो उसको प्रतीक बनाना चाहता है प्रेज प्रेजाइंग ओवर ट्रायल ऑफ द स्टेटस कॉन्शियस मिस्टर काशिकर मैटरनल बट लाइ वाइफ इज ऑल्सो मेम्बर ऑफ द ग्रुप यहाँ पे जो है जो हैड uh, कर रहा है इस ग्रुप को मिस्टर काशिकर वो भी एक मैटरनल बट चाइल्डलेस है वो चाइल्डलेस वाइफ है उसकी दोनों दोनों मिसेस और मिस्टर काशिकर दोनों के दोनों इसी ग्रुप के मेंबर है इन एडिशन टू बीइंग जज हाउ व काशिकर ब्रेक्स विद

उन सभी गर्ल्स को जो कि अनमेरिड हैं और अगर उन्हें हम कह सकते हैं कि एक तरह से उसने उन्हें सिनफुल कैंकर ऑन द बॉडी ऑफ सोसाइटी कहा था बिफोर प्रोवाइडिंग येट मोर डैमिंग एविडेंस बेनार उन्होंने इसके लिए एविडेंस कलेक्ट किया था और उन्होंने बात या वो कह सकते हैं कि सिनफुल कैंकर ऑन द बॉडी ऑफ सोसाइटी उन्होंने रेफर रेफरेंस किन का देना किसका देना चाह रहे हैं बेनार का द प्रोसिक्यूशन हैविंग रेस्टेड दी ट्रायल इज़ टर्न ओवर टू द डिफेंस ऑफ कॉल विटनेस अब यहाँ से जो प्रोसिक्यूशन है वो चल रहा है और विटनेस को बुलाया जाता है देर इज़ जस्ट वन प्रॉब्लम ऑल थ्री विटनेस दैट कुड पॉसिबली बी कॉल टू रिफ्यूज एनी ऑफ द एलिगेशन बींग मेड अगेंस्ट बेनार जस्ट सो हैपन टू नॉट टू बी प्रेजेंट द प्रोसिक्यूटिंग अटोर्नी गोज ऑन टू गिव हिज क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट एंड देन एट द जस्ट रिक्वेस्ट गोज ऑन द प्रेजेंट क्लोजिंग आर्गूमेंट फॉर द डिफेंस और लास्ट में जो क्लोजिंग आर्गूमेंट होता है वो दिया जाता है जज काशिकर इंक्वायर्स इफ द बैनार हैज़ एनीथिंग एट ऑल टू से इन हर डिफेंस यहाँ पर जो जज काशिकर है वो बैनार को पूछता है कि उसे अपने डिफेंस में अगर कुछ कहना है तो वो कह सकती है यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो पूरा ग्रुप है आपका वो बैनार को दोषी साबित करने पर Uh, मतलब एक तरह से uh, वो है कि उन्होंने उनको क्या करना है कि उसे दोषी साबित करना है बेना प्रोसीड टू गिव अ लॉन्ग स्पीच बेना एक लॉन्ग स्पीच शुरू करती है नाउ रियलाइजिंग दैट एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ शी थॉट कुड रिमेन अ सीक्रेट हैज बीन एक्सपोज इन विच शी कन्फ्यूस ऑल और वहां पे क्या करती है कि जो बेनार है वो एक लॉन्ग स्पीच देती है उसे ये बात समझ में आ जाती है कि जो ये जितना ड्रामा किया गया था ट्रायल का वो इन सभी लोगों ने इसलिए किया था कि उसकी लाइफ को सभी लोग डिस्कस करना चाहते थे उस चीज़ का फन बनाना चाहते थे तो और इन सभी चीज़ों के लिए वो दोषी उस वुमेन को मानते थे बाकी किसी पर उन्होंने इस इसका चार्ज नहीं किया या किसी को भी अक्यूज़ नहीं किया किसी और को दोषी नहीं माना गया सिर्फ़ जो बैनार है उसे दोषी माना गया था speaking from the heart she is accusatory as well as a contrite explanatory as well as metamorphic वो बिल्कुल अपने दिल की बातें सारी चीजें कहती हो accusatory भी होती है वो इस चीज के लिए औरों को भी दोष देती है और contrite होती है तो यहाँ पर आपका एक वोकैबुलरी के लिए एक अच्छा वर्ड है contrite ये आप बोल सकते हैं कि uh, repent full of uh, repent वो पछतावा करती है अपने काम के लिए उपस्थावा भी करती है एक्सप्लेनेटरी एज वेल एज मेटामॉर्फिक और वो एक्सप्लेनेटरी बातें भी कहती है, अपने बारे में मीन्स uh, एक तरह से जो इंसान जब ऐसे काम में होता है या ऐसी परिस्थिति में होता है तो खुद को एक्सप्लेन भी करना चाहता है बहुत वो क्योंकि हार्ट अपने हार्ट को पोर करती है बिल्कुल uh, दिल से वो सारी बातें वहाँ पर कहना शुरू कर देती है एट दी कंक्लूज़न ऑफ हिज इमोशनली इंटेंस मोनोलॉग इट इज़ हर एक्चुअली इंटेंस मोनोलाग दज डिलीवर्स दी गिली वर्डिक्ट एज वेल एज दनिशमेंट तो जो जज है वो ट्रायल का फिनिश करते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं द एलीजिटीमेट फीटस ग्रोविंग इन साइड बेनार इज़ टू बी अबाउटिट और ऐसा उसे आदेश दिया जाता है ऐसा उसे पनिशमेंट दी जाती है कि जो उसका एलिजिमिट एस्टिमेट फीटस है उसे अबाउट कर दिया जाए शी कॉलेप्स टू द फ्लोर और वो ये बात सुनकर बिल्कुल फ्लोर पर बेहोश हो जाती है सडनली ड्रामा इज़ ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ द लॉक डोर बीइंग ओपन बाय द विलेजर्स हु हैव कम टू मॉक ट्रायल ऑफ प्रेसिडेंट जॉनसन अब वहाँ पर क्या होता है कि सारे जो गाँव के लोग हैं वो आ चुके हैं उन्होंने लॉक uh, डोर को खोल देते हैं और वो वहाँ पर आए होते प्रेसिडेंट जॉनसन का जो मॉक ट्रायल हो रहा होता है उसको देखने के लिए एज इफ कमिंग आउट द ड्रीम स्टेट द एक्टर्स ऑन द स्टेज स्लोली रिमूव दैपिंगस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड बिकम रियल लाइफ सेल्फ अगेन और सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने जो अपना ड्रामा वाली लाइफ है उसे बाहर आते हैं और रियल कैरेक्टर बन जाते हैं रियल लाइफ की जो अपना अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं एज़ बैनार रिमीन्स अनमूविंग ऑन द फ्लोर लेकिन जो बैनार है वो बिल्कुल इस ड्रामा को अभी तक जो ट्रायल था वो एक्चुअल में भी सभी लोग उसको अक्यूज़ कर रहे थे रियल लाइफ की तरह क्योंकि वो उसकी पीठ पीछे भी ये सारी बातें करते थे तो जो बैनार है वो अभी भी फ्लोर पर लेटी हुई है क्योंकि वो एक्चुअल में बेहोश हुई है दे ट्राई टू परस हर दैट इट वॉज ऑल नथिंग बट अ गेम एंड नॉट टू बी टेकन सीरियसली बट शी रिमेंस लाइफलेस सभी लोग उसे बताते हैं कि इस चीज़ को आप सीरियस मत लो ये सभी सिर्फ ड्रामा था लेकिन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ये उनका खुद का प्लान था दी अदर्स लीव या हर दे जो बाकी लोग हैं वो उसी को वहाँ पर छोड़ देते हैं बेनार को एज दंडर ऑफ द प्रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर द शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस अंडर फाइनली ओनली थिंग लेफ्ट ऑन द स्टेज इज़ हर बॉडी स्टिल कंपल्ड ऑन द फ्लोर तो यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि जो बैनार है वो अभी भी लाइफलेस अपनी जो फ्लोर है उस पर लेती हुई है और सभी लोग अपनी चीज़ों पर काम पर जा चुके हैं तो इसमें हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स थे वो बैनार है सावंत है सुकामटे है पोंक्शे है मिस्टर मिस्टर काशिकर है मिसेस काशिकर है एंड बालू रोकड़े है तो होपफुली यू लाइक दिस स्टोरी अगर आपको ये लाइक ये पसंद आई होगी स्टोरी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए शेयर विद अदर्स सी यू इन नेक्स्ट